व्यूअर्स, मैं हूँ वकास मंगी और ये मेरे दोस्त हैं उबैदुल्ला साहब हैं और आसिफ हफीज़ साहब हैं। ये पाकिस्तान से रिसेंटली आए हैं यहाँ पे बर्मिंघम में, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को थोड़ा घुमा दूँ। तो आज हम आए हैं कैनन हिल पार्क, तो आपको भी नज़ारे दिखाते हैं, आप भी घूमें हमारे साथ। और ठंड बहुत ज़्यादा है आसिफ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है भाई साहब, ठंड है बहुत। चलें नज़ारे देखें, इन्जॉय करें हमारे साथ। दोस्तों मसरूफ हो गए हैं पिक्चर्स बनाने में, और बहुत ज़्यादा ठंड है। टेम्परेचर तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो है ना फील्स लाइक वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ठंड है, हाथ जम रहे हैं बाकायदा, और बहुत मज़ा आ रहा है इस ठंड में भी। ये देखे आसिफ भाई ने खुद को फुल कवर किया हुआ है, ऐसे पिक्चर नहीं बन रही है। इम्पोर्टेंट बता दें, ये जो आपने अभी पंछी देखे हैं, यहाँ पे एक रूल है कि आप पंछियों को उनको करीब जाके ना उनको हरासा नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप जाके ना उसको हुश हुश करें या ऐसे कोई इशारा उड़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि ये हरासमेंट के जुमरे में आता है। तो ये पंछियों की यहाँ पर जो है ना राइट्स हैं। ज़्यादा ठंड थी, तो हमने डिसाइड किया कि कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद हो सकता है थोड़ा ठंड का दौर कम हो जाए। तो अभी हम कॉफ़ी पी के फिर बाहर जाते हैं और फिर नज़ारे रिकॉर्ड करते हैं। जी उबैद साहब, कैसी लगी कॉफ़ी?
जी सर, कॉफ़ी के बाद कुछ बेहतर फील हो रहा है? बहुत बेहतर है। वो कैसी लगी कॉफ़ी? कैसा लगा आज हमारा वीडियो? ये पार्क बोट बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अभी जो है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है। बोटिंग इन्होंने रखी हुई थी, लेकिन अभी बोटिंग नहीं है। हम ये सोच के आए थे कि बोटिंग भी हो जाएगी, चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन पंछी हमने देखे हैं यहाँ पे बड़े, लेकिन बोटिंग इन्होंने ख़त्म कर दी है। और दूसरा वाइल्ड लाइफ पार्क भी था, तो वो अभी क्लोज था, उधर नहीं जा सके, तो नेक्स्ट टाइम उधर भी जाएंगे इंशाल्लाह। कोविड की वजह से इन्होंने कुछ चीज़ें बंद की हुई हैं। तो बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरे साथ ये भी अलविदा करेंगे। कैसा लगा आपको? मज़ा आया? बहुत ज़बरदस्त। फिर मिलते हैं न्यू व्लॉग में इन्हीं दोस्तों के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।